हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। कमिंग टू चैप्टर नंबर 3 गुडविल। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कम्प्लीट हो चुके हैं। अगर 1 एंड 2 नहीं कम्प्लीट किए हैं तो 3rd से पहले 1 एंड 2 कम्प्लीट कर लेना। चैप्टर नंबर 3 इज़ बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। खाली इसमें क्या है, हमें ये देखना है वॉट इज़ गुडविल, क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है गुडविल कैलकुलेट करने के, और वो सब करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे व्हाट इज़ गुडविल, क्या क्यों कैलकुलेट किया जाता है गुडविल। तो स्टार्ट करते हैं। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट विच हेल्प द फर्म टू अर्न द हायर प्रॉफिट। थोड़ा अच्छे टर्म्स में देखते हैं, अच्छे वर्ड्स में गुडविल होता क्या है। कोई हम कंपनी लेते हैं, एग्जाम्पल ज़ारा, और ज़ारा को ही हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो अगर हम ज़ारा से शॉपिंग करने जाते हैं, अगर हम उसकी कॉस्टिंग देखें कि कोई भी वहाँ की जो चीज़ है वो उसकी क्या कॉस्टिंग है, तो बहुत ही कम कॉस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल हम एक क्लोथिंग ले लेते हैं, ठीक है, अगर उसकी कॉस्टिंग 100 है तो वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं 1000 रुपीज़ में, 900 वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, और जो कस्टमर्स है वो पे करने के लिए रेडी भी है। क्यों? क्योंकि उसका एक ब्रांड क्रिएट हो गया, राइट? वो उसकी आज मार्केट में रेपिटेशन है, ब्रांड क्लोथ हो गया, जैसे नाइकी हो गया, जैसे एडिडास हो गया, ये सब, ये भी शूज़ कर रहे हैं और क्वालिटी शूज़ होते हैं डेफिनेटली, लेकिन आज इन सारे कंपनीज़ की एक मार्केट में वैल्यू हो गई, एक ब्रांड हो गई, जो नाम, जो हम बोलते हैं कि ये नाम से चल रहा है, तो उस नाम के लिए हम एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी रहते हैं, और इसी नाम को अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बोला जाता है गुडविल, ठीक है। तो फर्म की जितनी ज़्यादा गुडविल होती है, फर्म उतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कस्टमर से चार्ज करता है और कस्टमर पे करने के लिए रेडी रहते हैं, राइट? तो अगर इसको हम टर्म्स, इंग्लिश टर्म्स में देखें तो इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट, जो देख नहीं सकते, इनटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, विच हेल्प द फर्म टू अर्न द हायर प्रॉफिट, जो फर्म को हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में, ठीक है। As it is a asset, its value decreases. अब हमने देखा है कोई भी एसेट की वैल्यूज डिक्रीज होती है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, राइट? फिक्स एसेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल के लिए हम यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन। डिक्रीज इन वैल्यू अगर फिक्स एसेट्स की होती है तो हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन वैल्यू अगर इनटेंजिबल एसेट्स की होती है तो होता है अमोर्टाइजेशन, राइट? तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इनटेंजिबल एसेट, क्या गुडविल की वैल्यू कम हो सकती है? तो डेफिनेटली गुडविल की वैल्यू कम हो सकती है। जैसे कि आज ज़ारा है, ठीक है, आज उसने अपनी इतनी वैल्यू क्रिएट की है, लेकिन अब वो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगर वो अपनी वैल्यू पे अगर नहीं रहेंगे, अगर वो और कोई मार्केटिंग नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो उनकी वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो गुडविल भी अमोर्टाइज्ड होता है। कौन सा गुडविल अमोर्टाइज होता है, कौन सा गुडविल अमोर्टाइज नहीं होता, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडविल होते हैं। गुडविल 2 तरीके के होते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब आज मैंने मेरा बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, और वो बिजनेस मैंने खुद ने ग्रो किया, और वो ग्रो जो खुद का बिजनेस से हम जो गुडविल अर्न करते हैं वो हो गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे ज़ारा की है, ज़ारा की क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उन्होंने खुद का बिजनेस सेटअप किया और खुद को ग्रो किया, विद इन द 10 ईयर्स उसने अपने मार्केट में एक वैल्यू जनरेट की है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अब एक नया इन्वेस्टर आया, उसने क्या किया, ज़ारा को, पूरे ज़ारा कंपनी को परचेज कर लिया। अब क्योंकि उसने ज़ारा को परचेज़ किया है, तो ज़ारा के साथ साथ जो ज़ारा की गुडविल है वो भी वो परचेज़ कर लेगा, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टर हो गई यशोदा मैम, ठीक है, तो मैं गई और मैंने पूरा ज़ारा परचेज़ कर लिया, बहुत बड़ी बात है, तो मैंने पूरा ज़ारा परचेज़ कर लिया, तो अब ज़ारा जो नाम है उसके साथ साथ जो ज़ारा की गुडविल है वो भी मेरे पास आ जाएगी, राइट? ऐसा नहीं होगा कि अच्छा यशोदा मैम के पास है तो अब वो गुडविल को कंसीडर नहीं होगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गई, परचेज्ड गुडविल, क्योंकि वो गुडविल मैंने 10 ईयर्स में नहीं जनरेट की है, वो ज़ारा ने जनरेट की थी, पर क्योंकि अब मैंने परचेज कर ली तो वो मेरे लिए हो गई परचेज्ड गुडविल, ज़ारा के लिए हुई सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
तो जो कंपनी खुद से फर्म बनाती है और अपनी लाइफ में जितनी भी वो कंपनी की लाइफ स्पैन होता है उसमें अगर वो गुडविल जनरेट करती है तो उसके लिए हो गया सेल्फ जनरेटेड, और जो दूसरे किसी फर्म ने आके अगर उस कंपनी को परचेज कर लिया तो उसके लिए हो गई परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती, परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, राइट? अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल फॉर अ टाइम बीइंग हमें कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, परचेज गुडविल, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जा रही हूँ और मैं ज़ारा को परचेज करती हूँ, तो अब ज़ारा कितना मेरे से गुडविल मांगेगा, बिकॉज दैट इज़ इनटेंजिबल एसेट्स। ज़ारा की बैलेंस शीट में हमें गुडविल नहीं दिख रही होगी, राइट? तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को गुडविल के लिए ज़ारा को कितना पे करना है, क्योंकि उसकी उसके लिए वो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी बैलेंस शीट में तो गुडविल दिख नहीं रही होगी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट की जाती है। हमने एक फर्म ली है, फर्म नाइकी और ज़ारा दोनों भी सिमिलर नहीं है, पर ठीक है हम अज्यूम कर लेते हैं। तो एक है नाइकी, एक है ज़ारा। नाइकी जाके ज़ारा को परचेज करती है, ठीक है? तो नाइकी को कितना पे करना पड़ेगा ज़ारा को, जितना उसके नेट एसेट्स है, ठीक है? अगर नाइकी जाके ज़ारा को परचेज कर रही है, इसका मतलब वो ज़ारा के सारे एसेट्स ले रही है और सारी लायबिलिटी को पे ऑफ कर रही है, राइट? तो सपोज़ अगर मैं कोई चीज़ परचेज करती हूँ 10 रुपीज़ की, साथ में बोलती हूँ अच्छा इसके ऊपर लायबिलिटी 2 रुपीज़ की है, तो 10 - 2 मैं आपको 8 रुपीज़ दे दूँगी, राइट? वैसे ही अगर कोई भी एक फर्म दूसरी फर्म को परचेज करती है तो हमें निकालना पड़ता है नेट कंसिड्रेशन। तो यहाँ पर हमें ज़ारा की बैलेंस शीट दे रखी है, मशीन्स है, बिल्डिंग है, ये किसकी है, ज़ारा की बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमारे पास है मशीन, बिल्डिंग, शेयर कैपिटल, अदर लायबिलिटी। तो फर्स्ट हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, नेट एसेट्स निकालना। नेट एसेट निकालते टाइम हम जो भी शेयर होल्डर फंड होता है उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है? तो शेयर होल्डर फंड इज शेयर कैपिटल, जो कि कोई भी फर्म नहीं लेकर जाएगी क्योंकि वो पार्टनर्स शेयर होल्डर का पैसा है, तो कोई दूसरी फर्म उसको नहीं लेकर जा सकती। हम नेट एसेट निकालेंगे, नेट एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 10 लाख, टोटल एसेट्स माइनस अदर लायबिलिटी, हम शेयर कैपिटल को कंसीडर नहीं करते। तो नेट एसेट इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 4 लाख, नेट एसेट्स आ गए 6 लाख। मतलब टेक्निकली नाइकी को ज़ारा को कितने पे करने चाहिए थे, 6 लाख्स अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंस शीट, क्योंकि ज़ारा की जो नेट एसेट्स है वो 6 लाख है। लेकिन ज़ारा ने क्या बोला कि भाई हमारी मार्केट में जो वैल्यू है उसका भी आपको पे करना पड़ेगा, इसीलिए ज़ारा ने बोला कि आपको 15 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 15 लाख, राइट? तो 6 लाख की जगह नाइकी 15 लाख पे कर रही है, तो कितना एक्स्ट्रा पे कर रही है, 9 लाख, राइट? तो ये जो 9 लाख एक्स्ट्रा नाइकी पे कर रही है वो क्यों पे कर रही है, क्योंकि ज़ारा की गुडविल है। अगेन हम किस तरीके से निकालते हैं, पहले हम नेट एसेट्स निकालते हैं कि एक्चुअल में कितना पे करना चाहिए, दैट इज़ यहाँ पर है 6 लाख, लेकिन ज़ारा मांग कितना रही है, 15 लाख। तो जो 9 लाख का डिफरेंस है वो हो गया गुडविल। अगर हम यहाँ पर नाइकी की बुक्स में एंट्री करें, जनरल एंट्री, तो किस तरीके से होगी, नाइकी जितने भी एसेट्स लेकर जा रही है एसेट्स आर डेबिटेड, तो यहाँ पे मशीन और बिल्डिंग डेबिट हो गया फॉर 6 लाख एंड 4 लाख। लायबिलिटी में खाली वो क्या लेकर जा रही है, अदर लायबिलिटीज़, तो यहाँ पर अदर लायबिलिटीज़ क्रेडिट हो गया फॉर 4 लाख। और नाइकी ने कितना बोला हम कितना पे करेंगे, 15 लाख, अभी तक पे नहीं किया है, तो ज़ारा नाइकी के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी, क्योंकि पे करना बाकी है, इसीलिए ज़ारा को भी हमने बना लिया क्रेडिटर फॉर 15 लाख। तो हमने एसेट्स को डेबिट किया, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट किया, जो डिफरेंस है डेबिट में वो डिफरेंस आ गया गुडविल, दैट इज़ 9 लाख, ठीक है? ये है हमारा गुडविल। गुडविल क्या है, एक एडिशनल अमाउंट है जो कि एक परचेजिंग फर्म सेलिंग फर्म को पे करती है।
जिस तरीके से गुडविल है उसी तरीके से कैपिटल रिजर्व्स भी होते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि 6 लैक्स के लिए जो दूसरी कंपनी है 15 लैक्स पे कर रही है, वहीं पे अगर 6 लैक्स के लिए कम पे किया जाए, कंसिडरेशन कम दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गुडविल और कैपिटल रिजर्व। टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। यहाँ पर तो डायरेक्टली आ गया क्योंकि हमें नेट कंसिडरेशन दिया हुआ था। कल हम पूरा डिटेल में करेंगे किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है।